बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में लोन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए इलिजिबल हो जाते हैं तो आपको 5,000 से लेकर के 1.5 लाख तक लोन मिल जाएंगे, वो भी आपको 18% पर एनियम, यानी कि 1 साल में आपको 18% की लोन की EMI पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको देना। और आपको मैं बता दूं, ये ग्रो एप्लीकेशन है, ये खुद से लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी कंपनियां इसके साथ लिंक है उस कंपनी से आपको लोन ये दिलवाते हैं। ठीक है, तो ये खुद से लोन प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ जैसे कि हो गया IDFC बैंक हो गया, और बहुत सारे बैंक हैं जो इसके अंदर आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, HDFC हो गया, बहुत सारे बैंक हैं जो इसके अंदर लिंक है, जो ये आप सभी को लोन प्रोवाइड करते हैं ग्रो एप्लीकेशन के जरिए। तो दोस्तों अगर आपको लोन लेना है ग्रो एप्लीकेशन के अंदर, आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो HDFC से आप 3 महीने के लिए कुछ भी टीवी फ्रिज कुछ भी EMI पे ले सकते हैं। अगर ले लेंगे उसका टाइम पे पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो यहाँ ग्रो एप्लीकेशन के अंदर आपका लोन का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लोन आप कभी भी ले सकते हैं, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के अंदर आपको यहाँ लोन मिल जाते हैं। तो जो मैं आपको तरीका बताया दोस्तों, इसी तरीके से लोन ले सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन से। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और ग्रो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पहले से दे रखा हूँ, जा करके वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको यहाँ कुछ साइन अप बोनस भी मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप HDFC के अंदर या उसके अंदर कुछ भी आप लैपटॉप फ्रिज टीवी कुछ भी आप फाइनेंस करवा लेते हैं और 3 महीने के अंदर अंदर उसका पेमेंट रीपेमेंट कर देते हैं, तो यहाँ ग्रो एप्लीकेशन के अंदर ऑटोमेटिक आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे लोन की और मोर की। तो आप ये दो ऑप्शन आपको और ऐड कर दिया जाएगा आपके एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।